ओ भाई साहब देखो ट्रेन आ रही है। देखो ये ट्रेन स्टेशन के अंदर आ रही है और ये ट्रेन स्टेशन जो है बिल्डिंग वाला है। वाह भाई वाह, क्या सीन है यार, क्या बात है भाई, गजब का सीन। और क्या बिल्डिंग है यार, क्या सिटी है यार। इस बिल्डिंग के अंदर ट्रेन जा रही है, इस बिल्डिंग के अंदर ये देखो 10 से 15 फ्लोर के ऊपर ये बिल्डिंग है। ये देखो लड़कियां हाई हेलो कर रही है और हम इस ट्रेन को शूट कर रहे हैं। दरवाजे को देखते हुए बंद करेंगे और फिर टीवी पे देखेंगे ऊपर, ये सब कुछ ठीक ठाक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं चाइना के चोंगचिंग शहर में हूँ और एक यूनिवर्सिटी में एक कंपाउंड में रुका हुआ हूँ, जहाँ पे मेरा होस्ट है वो फिलीपींस से है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नजारा देख सकते हैं। अभी भी मैं यूनिवर्सिटी से बाहर आ गया हूँ और अभी मैं वीडियो स्टार्ट किया है। अभी मैं इस शहर में इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे एक अजीबोगरीब चीज देखने को मिलती है। एक मेट्रो ट्रेन एक सबवे सीधा 8-10 मंजिला बिल्डिंग के अंदर जाती है और वो है मतलब एक स्टेशन है बिल्डिंग के अंदर सीधा। मतलब बिल्डिंग ऐसे बनी हुई ना बीचों बीच, जैसे जहाँ पे रूम होना चाहिए वहाँ पे सीधा मेट्रो स्टेशन है और वहीं बिल्डिंग में ट्रेन जाती है। तो हम उसी ट्रेन में सफर करेंगे और ड्राइवर के ठीक पीछे की साइड बैठेंगे। तो ट्रेन स्टेशन के अंदर कैसे जाती है एक सीन तो ये दिखाएंगे, फिर हम बाहर निकल के ये दिखाएंगे कि ट्रेन जब हम दूर से देखते हैं तो कैसा दिखता है बिल्डिंग जब दिखती है। और तीसरा शॉट वो होगा जब हम नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग 8-10 मंजिला ऊपर है और ट्रेन करीबन 6-7 मंजिल ऊपर ही अंदर प्रवेश करती है, फिर हम नीचे जाएंगे दूर से दिखाएंगे। तो ये सब आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये सब हुआ कैसे और ये सब कैसे किया वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और मेरा जो एटीएम कार्ड वगैरह की भी आप पूछते रहते हैं उसका भी मैंने नीचे दे रखा है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में अभी आज ही छुट्टियां खत्म हुई है तो ये सारे लोग आ रहे हैं बैग भर भर के। यहाँ पे स्पेशल बसें भी लगी हुई हैं, तो काफी जबरदस्त सीन देखने को मिल रहा है। और ये शहर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, यहाँ करीबन 32 मिलियन लोग रहते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ से आगे। जाने से पहले खाना जरूर खा लेना चाहिए पहले, क्योंकि यहाँ पे खाने का जुगाड़ हर जगह होता नहीं, इसलिए मनी नो मैटर, आई नीड वेजिटेरियन। या खाने में वही हर बार की तरह चावल और ये देखो सब्जी है, प्याज आलू और टमाटर और साथ में कुछ हरी मिर्च, बस ये तेल में बॉईल करके दे देते हैं और इस चावल दे देते हैं, बस सीधा सिंपल वेजिटेरियन खाना। और तो खाना कुछ यहाँ मिलता नहीं है, दही दूध रोटी कुछ भी नहीं मिलता, ये भी स्पेशल बनवाना पड़ता है तभी जाके सेट होता है। जब तक मुझे डाउट होता है तो मैं ये सब खाता नहीं हूँ, लेकिन गुजारा हो जाता है यार, चाइना में जिंदा रह सकते ये बात 100% है। तो ऑलमोस्ट हम मेट्रो पे पहुंच गए हैं ये वाला, और अभी हम चलते हैं लाइन वन में बैठ करके आगे की तरफ। यहाँ की मेट्रो में बहुत ज्यादा भीड़ है, तो लाइन एक से उतर गए हैं और अभी लाइन टू पे जा रहे हैं। और भाई आपका भाई ग्रीन लाइन पे आ गया और यहाँ से दो स्टेशन के बाद आगे आपको देखने को मिलेगा वो मेट्रो स्टेशन जो बिल्डिंग है उसके अंदर ही ट्रेन जाती है। हम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, अभी ये ट्रेन आ रही है, देखो यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब ट्रेन जस्ट 5-10 सेकंड में यहाँ पे आ जाएगी। और मैं सबसे आगे इसलिए खड़ा हूँ कि मेट्रो के ड्राइवर के पीछे खड़ा रहना है, तो वहाँ से आपको अंदर जाने का व्यू दिखेगा, वो चीज़ जरूरी है। देखो आगे, और ये ड्राइवर भाई साहब बैठे हैं, हम इनके पीछे जाके रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। और हम यहाँ खड़े रहेंगे, यहाँ से हम रिकॉर्ड करेंगे। और ये भी ट्रेन भाई देखो, अंदर पटरियाँ नहीं है, बीच में गर्द जैसा उसके ऊपर चल रही है, ये पटरी वाली बुलेट ट्रेन नहीं है भाई, मेट्रो ट्रेन नहीं है, देख लो। वाओ, और ये टनल में से बाहर भी निकल गई, अब जबरदस्त सीन देखने को मिल जाएगा, देख लो भाई हम मेट्रो के अंदर खड़े हैं। तो ये दो पटरियाँ देखो, कुछ लोगों को भी पता है कि यहाँ से ऐसा सीन देख सकते हैं, बाकी सारे लोग यहाँ आगे खड़े नहीं। ये देखो दूसरी ट्रेन भी आ रही है भाई, देखो ओ माय गॉड, ये तो अमेजिंग सीन था यार, पहली बार ऐसी पटरियां देखी मैंने। तो मैं थोड़ा जूम करके रखता हूँ, और ये ड्राइवर भाई साहब यहाँ है, देख लो ये ट्रेन चला रहे हैं।
वाओ, ये तो मोनोरेल जैसा सिस्टम है भाई साहब। इधर का सिस्टम तो देखो, इधर का नजारा देखो भाई, क्या गजब है यार, अद्भुत। और ये देखो, ये तो एक नॉर्मल स्टेशन लग रहा है। रेल वाली है, लेकिन वो भी पता नहीं ऐसी है क्या मुंबई में है जो। अब ये ड्राइवर भाई साहब खड़े हो जाएंगे यहाँ से और स्टेशन पे कैमरे में देखेंगे, इधर कैमरे भी लगे हुए हैं। ये देखो खड़े हो गए, तो वहाँ से बटन प्रेस करते हैं और फिर देखते हैं कि पैसेंजर बैठ गए क्या। फिर वो सामने स्क्रीन लगती है ना, उसी स्क्रीन पे सारा कुछ व्यू उनको दिखता है। देखो इन्होंने बंद कर दिया दरवाजा, देखो ये सब कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। अब टीवी पे देख लिया, हाथ से इशारा कर दिया खुद ने, भाई सब कुछ ठीक ठाक है, अब हम ट्रेन को चला सकते हैं। चलाते हैं, देखो सारे लोगों का कैमरा ऑन हो गया। चेंजिंग डाउन ट्रेन लीज़ बाज़ार ये ट्रेन चंग डा काई यू छे चे मेन द नेक्स्ट स्टेशन इज लीज़ डा डोर्स विल ओपन ऑन द राइट। उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे, वहां से भी आपको दिखाएंगे। ये देखो भाई, ये बिल्डिंग है सर, हाँ यही है, ये बिल्डिंग है। और अब इसके अंदर से नीचे उतर के हम देखेंगे, ये काफी हाइट पे है, पहाड़ी के ऊपर है। स्टेशन में अंदर तो प्रवेश कर गए। Doors will open on the right. For your safety, please stand clear of the doors. अभी हम चलते बाहर की तरफ, बाहर से इस ट्रेन को पीछे जाके देखते हैं या दूसरी ट्रेन को आने देते हैं। ये देखो भाई साहब, ये ड्राइवर भाई साहब है ना, इस टीवी पे देखते हैं, यहाँ पे पूरा टीवी लगा हुआ है, तो पूरा स्टेशन का व्यू इनको दिखता है यहाँ से। ये देखो बाहर निकले और चेक किया, अब अंदर गए, फिर दरवाजे को देखते हुए बंद करेंगे और फिर टीवी पे देखेंगे ऊपर, ये सब कुछ ठीक ठाक है। ये देखो दरवाजे बंद, ऊपर अब ये चलेंगे, ट्रेन को आगे लेके चलेंगे। तो इस ट्रेन को नहीं, हम अगली ट्रेन को देखेंगे वहां खड़े होकर के, कि वो ट्रेन कैसे एंटर होती है और उसके बाद ऐसे कैसे चली जाती है, वो देखने वाली बात है। देखो जबरदस्त, और ये बिल्डिंग है ऊपर, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो हम इसी तरफ से आए थे अभी फिलहाल, और ये पहाड़ों के बीच में से ये ट्रेन आई थी और इस तरफ जाती है और इस तरफ से आती भी है, दो लाइनें हैं। तो अभी हम दूसरी ट्रेन आने का वेट करते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे आके ट्रेन स्टेशन में एंटर होती है। तभी बिल्डिंग हम कब देख पाएंगे, जब यहाँ से बाहर चले जाएंगे तब हम बिल्डिंग देख पाएंगे, और फिर उसके बाद इसका रीजन भी बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। तो भाई साहब देखो, ट्रेन आ रही है, देखो ये ट्रेन स्टेशन के अंदर आ रही है, और ये ट्रेन स्टेशन जो है बिल्डिंग वाला है। वाह भाई वाह, क्या सीन है यार, क्या नजारा है। ये स्टेशन में प्रेस वेट कर गई ट्रेन, देखो भाई, और इतने सारे लोग इस ट्रेन को सूट कर रहे हैं, काफी लंबी है ट्रेन। ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि किसी बिल्डिंग में ट्रेन जा रही है, इसके ऊपर पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, और इसका रहस्य का वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस ट्रेन को जाने देते हैं कि ट्रेन स्टेशन से बाहर कैसे निकलती है। तो अभी ये ट्रेन यहाँ से निकलने वाली, डिपार्चर हो रही, देखो वो भाई स्टेशन पे खड़े हैं, वो सब कुछ चेक कर लिया है,
ट्रेन कुछ ऐसी दिखती है, मोनोरेल जैसी है, और अब यहाँ से ये निकलेगी। जब निकलेगी तो हम इसको बैक, ओ भाई देखो दूसरी भी ट्रेन है, ये देखो ये देखो लड़कियां हाय हेलो कर रही है और हम इस ट्रेन को शूट कर रहे हैं। ये तो गजब सीन था भाई साहब। ये देखो ये ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गई, अब नीचे जाके हम उसको भी शूट करेंगे नीचे वाले भाग को। वाह भाई क्या नजारा और क्या जगह पे बनाया है। ये आगे चल के इस माउंटेन के अंदर चली जाती है ट्रेन, तो जो दिख रहा है ना वो घर दिख रहा है, उसके पास में टनल है वहाँ। बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है यार, मतलब क्या क्या चीजें चाइना में देखने को मिलती है आपको। ठीक है अब नीचे की तरफ चलते हैं। जब हम खड़े ही थे तो तब तक दूसरी ट्रेन भी आ गई यहाँ पे। अब ये ट्रेन यहाँ से जाने वाली है और हम जाने वाले नीचे की तरफ, जहाँ से आपको पूरा व्यू दिखेगा कि एक ट्रेन बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करती हुई दिखाई देगी। तो हम चलते हैं नीचे। नीचे जाने के लिए शायद यहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा, और इसको जाते हुए एक बार फिर से मैं देखना चाहता हूँ कि पूरा दिल भर जाए। ये डाला कार्ड मैंने यहाँ पे, ये गेट खुल गया। और ये देखो यहाँ पे लिखा भी है ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ से जाकर के आप ऑब्जर्वेशन पोस्ट प्लेटफॉर्म पे से ट्रेन को देख भी सकते हैं। इस ट्रेन को देखेंगे वहां से, ऑब्जर्व करेंगे कैसी दिख रही है। और यहाँ पे एक शादी भी हो रही है, देखो भाई शादी हो रही है, इसलिए यहाँ पे सारा खाना पीना मंडप लगा हुआ है, क्या फूलों से गुलदस्ता वगैरह सजा रखा है। तो अब हम शादी में तो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन आपको ट्रेन ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो है वो जरूर दिखाएंगे। करीबन 5 फ्लोर तो नीचे आ गए भाई तक, वही बिल्डिंग से जहाँ से ट्रेन से उतरे थे 5 फ्लोर तक नीचे आ गए हैं, और अभी जाकर के नीचे शायद बाहर निकल रहे हैं। ये देखो सो फाइनली अभी हम बाहर आ गए, यहाँ पे चाइनीज पुलिस हैं। और तो जैसे ही हम इस जगह से बाहर आते हैं ना, वहाँ सामने देखो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है, वही ऑब्जर्वेशन वाली पोस्ट है, तो वहाँ से आपको ट्रेन जाती हुई दिखाई देगी। ये भाई साहब फोटो भी पाड़ रहे हैं पुलिस वाले। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे और वहाँ से पूरा व्यू देखते हैं यार, मज़ा आ जाएगी क्या देखने को मिलता है ट्रेन आती हुई। यहाँ पे तो कितने सारे टूरिस्ट लोग हैं भाई। क्या बात है भाई, गजब का सीन। और क्या बिल्डिंग है यार, क्या सिटी है यार। इस बिल्डिंग के अंदर ट्रेन जा रही है, इस बिल्डिंग के अंदर, ये देखो 10 से 15 फ्लोर की ऊपर बिल्डिंग है। हम भी इसको देखने के लिए आए हैं। और ट्रेन वहां से एंटर होती है, वहां से उस लोकेशन से एंटर, उस 20 मंजिला इमारत के अंदर, वो देखो वहां से ट्रेन आ रही है, देखा वहां पे अभी गई है। अभी हम देखेंगे इसको क्लियरली देखेंगे, ये देखो। और यहाँ पे सारे टूरिस्ट आए हुए हैं देखने के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। काका देखो प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पे इस लोकेशन पे। और वहां पे भी एक मेट्रो जा रही है, देखो भाई वहां पे सामने आपको दिख रही होगी। ओ भाई साहब ये देखो, ये ट्रेन देखो सीधा बिल्डिंग के अंदर जाएगा। अभी ये चल भी रहा है, ऊपर ही चल रहा है, ये देखो। ओ भाई साहब क्या बात है, आप बिलीव नहीं करोगे कि वहां पे एक ट्रेन इतनी ऊपर अंदर जा रही है बिल्डिंग के अंदर। भाई साहब कमाल है, ओ माय गॉड। इधर तो सब घर दुकान है और ट्रेन वहां से अंदर जा रही है, देखो ये तो कमाल होगा। स्टेशन कहाँ पे है, वहां पे वो जो आपको दिख रहा है ना खुला खुला, वो स्टेशन है। और वहां से इधर देखो, इधर हम खड़े हैं उधर स्टेशन है, ये तो हद हो गया।
मतलब क्या क्या चीजें बना दी है इन लोगों ने, क्या क्या चीजें बना दिया, कमाल कर दिया। अभी एक ट्रेन अंदर आई हुई ऑलरेडी, वो भी बाहर निकलेगी तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये सारे लोग देखने के लिए आए हुए हैं, दिखाने के लिए आए हुए हैं सबको। ये देखो यहाँ पे इन्होंने जमीन पे पिलर बनाए, देखो पहाड़ के अंदर, और इसी पहाड़ों के ऊपर वो बना दिया है पिलर विलर बना के। वो देखो ये देखो ये देखो भाई ये देखो ये कैसे ट्रेन जा रही है ऊपर, और अच्छी खासी स्पीड भी पकड़ लिया देखो। ओ भाई साहब ये तो अद्भुत नजारा यार, ये चाइना है भाई। ये सारे लोगों का जो कैमरा चालू है ना, वो इसीलिए कैमरा चालू है कि यहाँ पे एक ट्रेन की झलक देखे और उसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड करे, ऐसा सीन यहाँ पे बना हुआ। इतने सारे लोग यहाँ पे पड़े हुए भाई साहब, कमाल हो गया ये तो। और यहाँ पे एक रोमियो टाइप स्टाइल पे भी एक आदमी है, देखो इसको भी दिखाते हैं, अजीबो गरीब। हेलो निहाओ, गजब गजब चीजें देखने को मिलती है चाइना में। उधर भी एक ट्रेन जा रही है देखो, वो उसको क्रॉस करती है, वो वाली दिख रही है आपको, नदी को क्रॉस कर रही है। और इस तरफ का नजारा देखो, क्या आलीशान टावर बन रहा है भाई इस नदी के अंदर, देखो नदी के पास में। यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत सिटी है ये चोंगकिंग, मतलब चाइना की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है। और इसके अंदर एक जगह ऐसी भी है जिसको बोलते हैं राफेल टावर, वहां पे भी हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो ये देखो ये देखो ये ट्रेन आई, देखो उसको मैं दिखाता हूँ कैसे अंदर जा रही है। देखो भाई कोई भी बंदा इसको रिकॉर्ड करना चाहेगा, इस बंदा इस जगह को मिस नहीं करना चाहेगा। ओ भाई साहब क्या बात है, ये तो कमाल हो गया यार, कैसे ट्रेन स्टेशन के अंदर जा रही, कैसे इस बिल्डिंग के अंदर जा रही यार। और जब स्टेशन पे खड़े होते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि आप कहीं बिल्डिंग के अंदर है, जब यहाँ से बाहर आते हैं तभी पता चलता है कि हम तो पूरा बिल्डिंग के अंदर ही थे भाई। ये चीज है, ये भाई साहब है ना फोटो ले रहे कब से, पुलिस वाले भाई साहब है। और ये देखो दूसरी ट्रेन भी आई बाहर निकली, मेरा फोटो ले रहे ये बहन जी, मैं इनका फोटो ले रहा हूँ, मैं इस ट्रेन का फोटो ले रहा हूँ। चलो इधर जाने वाली ट्रेन का व्यू बराबर नहीं आता है, जब ट्रेन इधर से यूं जा रही होती है ना तब व्यू प्रॉपर आता है। तो वो व्यू आपको दिखाएंगे अब फिर से एक बार दोबारा से, क्योंकि यहाँ से जो एंगल आ रहा है ना वो अभी तक नहीं मिल रहा था, तो वो एंगल अभी मिलेगा अभी जब हम यहाँ पे खड़े रहेंगे और दूसरी ट्रेन अभी आएगी तभी। ओ भाई साहब देखो इस शहर में क्या हो रखा है ना, कि छोटी सी जगह में कम से कम 30 मिलियन लोग रहते हैं। और अभी हमें एक और आइडिया आया, वो आइडिया कमाल है, और वो सीन है वो कमाल दिखेगा आपको। वो जो प्लेटफॉर्म है ना उसके नीचे वाली जो अलमारी दिख रही है ना वहाँ पे भी लोग फोटो ले रहे, और वो देखो ट्रेन जा रही है उस पहाड़ों के बीच में। क्या क्या फोटो लेना चाहते हैं लोग यहाँ पे देखो, और लोग बड़े खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है लोग, छोटे छोटे हैं, नाटे नाटे हैं, फिर भी हम इनके लिए अजीबो गरीब लगते हैं। हम हमारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं कि यार कोई फॉरेनर आए तो ये लोग काफी मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं फोटो लेने के लिए। मैंने बहुत लोगों के साथ फोटो खिंचवाए भाई, बहुत लोग अच्छे भी है, ये है ना खाना ऑफर करते हैं, घुमाने का भी ऑफर कर देते हैं, इतने प्यारे लोग है भाई साहब, कमाल है। चाइना के लोग गजब है, हम जैसा सोचते वैसा है ही नहीं। और यहाँ पे ये देखो भाई चोटी बनवा रही है कलरफुल, ये सारे लोग फोटो लेने में लगे हुए देखो। ये देखो भाई ये देखो ट्रेन कैसे जा रही है, देखो कैसे इस बिल्डिंग में प्रवेश कर रही है भाई, देखो Thank you.
वो देखो भाई क्या गजब का सीन देखने को मिल रहा है आपको, ट्रेन अंदर जा रही है, देखो अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा है यार। ये लोग मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं और मैं इनका वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस ट्रेन का शूट कर रहा हूँ। ट्रेन वहाँ पे खड़ी है, देखो ये देखो, एक ट्रेन उस तरफ से आ रही है, देखो आपको झाड़ियों के बीच में आती हुई दिखाई दे रही होगी। ऐसे भी फोटोग्राफी करवाते हैं, देखो ये शहर के नज़ारे है, देखो ये बिल्डिंग है, देखो भाई इस नदी के सहारे सहारे बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बनी हुई है और यहीं पे सब लोग रहते हैं। ये देखो शहर के नज़ारे देखो भाई, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एक रिवर फ्रंट जैसा कुछ बना हुआ है और यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई दे रही हैं, कमाल है कि नहीं, सच बताओ, कमेंट करके बताओ कि ये शहर कितना खूबसूरत है। एक भाई साहब कब से मेरे ही वीडियो ले रहे हैं, खूबसूरती का आलम यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ना वो तो मतलब देखते ही बनता है। देखो वहाँ पे दो और मेट्रो ट्रेन क्रॉस कर रही है, ये मेट्रो नहीं मोनोरेल जैसी है लेकिन अच्छी खासी स्पीड से चलती है भाई। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वेदर है तो यहाँ पे व्यू भी बहुत शानदार आ रहा है और यहाँ पे लोग भी शानदार है, सामने बिल्डिंग का व्यू दिखेगा वो भी शानदार है, देखो चारों तरफ आपको दिखेगा कितने सारे लोग हैं भाई। देखो यहाँ पे ये सारे लोग इसी चीज को देखने के लिए यहाँ पे खड़े और जा भी नहीं रहे, बार बार उसी नज़ारे को रिकॉर्ड कर रहे हैं कैमरे में, बार बार ट्रेनें आ रही है और बार बार ये फोटो वगैरह ले रहे हैं, ऐसा ही सीन चलता जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। और एक और नायाब चीज कि ये कोई हेलीकॉप्टर जैसा सीन है, देखो ये भाई साहब उड़ा रहे हैं। लीजीबा स्टेशन, इनकी छुट्टियां खत्म हो रही ना तब तक इस मौके को ये भुनाना चाहते हैं भाई साहब। अब मैं आपको इस जगह के बारे में बता देता हूँ कि ये सब कैसे हुआ कि एक बिल्डिंग के अंदर ही स्टेशन क्यों है, वो इसलिए कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तभी ये प्रोजेक्ट बन रहा था, तो ये दोनों प्रोजेक्ट जब साथ में आ गए यहाँ पे मिल गए तो इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ से अंदर से ही बना देते हैं और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो जाएगा। तो ये देखो फिर से ट्रेन आ गई, आपको दिखा देता हूँ, और ये राज भी बता दिया मेरे को, एक लोकल भाई साहब ने बताया तो वो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ सीन था ये वाला, तो इसकी वजह से यहाँ पे हो गया। एक्चुअली ये ट्रेन यहाँ से जब आ रही है ना तो इधर तो जगह ही नहीं है, तो इन्होंने पहाड़ों पे बनाते बनाते इस बिल्डिंग के अंदर आ गई, तो बिल्डिंग के अंदर से ही बना दिया और सीधा पहाड़ के अंदर ही निकल गई। ये पूरा पहाड़ है क्योंकि जगह नहीं है ना, जगह के हिसाब से इन्होंने ये डिसाइड किया कि इस बिल्डिंग को इसके अंदर ही होना चाहिए और फिर ये टूरिस्ट के लिए एक ज़बरदस्त जगह बन गई। क्योंकि ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है ना ये भी सारा पिलर पे बना रखा है इन्होंने, नीचे पानी है देखो वहाँ पे दिख रहा है। और एक और बात नोटिस किया कि ये वाले घर वाले तो बिल्कुल इसके ऊपर ही रह रहे हैं, ये सारे बिल्डिंग वाले ये वाले जो जितने भी दिख रहे हैं ना ये सब लोग तो इसके ऊपर ही रह रहे हैं और ट्रेन नीचे से जा रही है। ये देखो उनको तो रोज देखने को व्यू मिल रहा है, लेकिन जिसको रोज देखने को व्यू मिल रहा होगा ना वो इंटरेस्टेड भी नहीं होगा इस चीज़ के लिए। देख लो भाई क्या सीन है, क्या सीन है। और यहाँ पे ये एक कैमरा लगा हुआ है, कैमरा शायद फोटो क्लिक करता है क्या करता है, इधर एक बारकोड भी दिया हुआ है और इस पर लाइट भी हो रही है। मुझे सीन समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ है क्या यहाँ पे, और जो सामने ट्रैक दिख रहा है उसी के पास में ये पिलर पे लगा हुआ है, और इसका राज क्या है मुझे नहीं पता। यहाँ पे कुछ ऐसा सीन बनाया गया है, देखो ये कैमरा और ये सब। फोटो के लिए तो कहाँ कहाँ जा रहे भाई साहब, अभी तक तो हमने नोटिस ही नहीं किया। यहाँ तो ग्लास लगा हुआ है नीचे, देखो भाई पूरा ग्लास ही है ये तो, क्योंकि इतने सारे लोगों की भीड़ में पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ खड़े क्या हो रहा है। ये देखो ये पूरा ग्लास ट्रैक है, थोड़ा लोगों को भी देखना चाहिए। सबके कैमरे देखो,
और अभी हमें एक और आइडिया आया, वो आइडिया कमाल है और वो सीन है, वो कमाल दिखेगा आपको। वो है इस तरफ जाएंगे नेक्स्ट स्टेशन पे और वहां से हम ट्रेन में बैठ के वापस इस तरफ आएंगे, तो हमें ट्रेन तो यहां से दिखेगी, साथ में ये नीचे वाला नजारे का वो भी व्यू दिख जाएगा, तो ये बेटर है मुझे लगता है। तो अभी हम चलते हैं वहां पे और वहां से आने का सीन होगा वो जबरदस्त होगा, वो देखते हैं हम लोग। देखा किस तरह से ट्रेन सड़क से स्टेशन के अंदर चलेगी भाई, ये तो कमाल का नजारा था भाई। देखो भाई कैसे बिल्डिंग में जा रही है, देखो वो ट्रेन वहाँ सामने आपको दिख रही है, ये देखो बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर गई। तो भाई साहब देख सकते हैं आप, अभी हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है ऑलरेडी और अब हम सीधा सीधा उसी स्टेशन की तरफ जाएंगे जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है। अभी हम मैंने आपको पहले भी बताया कि हम नेक्स्ट स्टेशन पर आ चुके हैं और यहाँ से चलते हुए उस तरफ जाएंगे, तो वो एक व्यू देखना बाकी रह गया था कि यहाँ से जाते हुए व्यू कैसा दिखता है। जब हम आए तो उस दूसरी डायरेक्शन से आए थे, यहाँ से पहले से कुछ लड़कियाँ जम करके बैठी हुई रिकॉर्डिंग कर रही ऑलरेडी। तो अभी हमारी ट्रेन यहाँ से निकल रही है और कुछ ही सेकंडों में हम दूसरे स्टेशन पे होंगे, ये ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल क्लोज है, सामने की तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पे स्टेशन है। और यहाँ पे ड्राइवर भाई साहब बड़े सिस्टम से चलते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो हम देखो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और सामने से एक ट्रेन भी निकल रही मेरे हिसाब से स्टेशन के अंदर से, तो आप देख सकते हैं और क्या ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ पे। राइट साइड में नीचे आपको लोग दिखेंगे और ये जो सारा ब्रिज वगैरह बना है ना वो पूरा जमीन के नदी के किनारे किनारे बना हुआ है, यहाँ पे जगह नहीं है भाई, पहाड़ी इलाका है पूरा। ये देखो क्या नज़ारा खूबसूरत है। और यहाँ पे राइट में नीचे देखो कांच में से आपको दिख रहा होगा कितने सारे लोग खड़े, तो हम भी उसी भीड़ में सवार थे पहले और अब हम स्टेशन पे जा रहे हैं। देखो ये बिल्डिंग एक लाल वाली अलग है और वो वाली उसके ऊपर बनी हुई है 15-20 फ्लोर की, देख लो। तो ये हो गए हम स्टेशन के अंदर प्रवेश। तो ये वीडियो स्पेशली इस ट्रेन का ही रहेगा और इतना ही रहेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ऐसी ऐसी जगह है और जिसको देखने के लिए हम जा सकते हैं और हम भी ऐसा कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया कमेंट करके बता दीजिएगा और शेयर भी करते जाइए, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के भी लिंक नीचे दे रखे तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, हम भी आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे और आप भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेट्स गो, गुड बाय, सी यू।